नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको शिलाजीत के बारे में बताने वाले हैं। नेपाल से शिलाजीत लेकर आए हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि मार्केट में शिलाजीत तो बहुत मिलती हैं, पतंजलि के शोरूम पे देख लीजिए या देसी दुकानों पर जो दवाइयाँ बेचते हैं उनकी दुकानों पर देख लीजिएगा या मेडिकल स्टोर पर देख लीजिएगा, शिलाजीत तो आपको हर जगह मिल जाएगी। लेकिन एक सस्पेंस हमेशा बना रहता है कि असली शिलाजीत की पहचान कैसे करें, असली शिलाजीत कैसी होती है, क्या उसकी पहचान होती है और वो किन किन बीमारियों में काम आती है। अक्सर शिलाजीत का नाम जो है वो जोड़ा जाता है, बीमारियों से भी जोड़ा जाता है और जो है ताकत के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, हड्डियों के लिए भी बेस्ट मानी जाती है। ऐसे में नेपाल से खुद चलकर आए हैं हमारे पास और वो शिलाजीत लेकर आए हैं। कई तरह की वैरायटी हैं, उनसे ही सीधी बातचीत करते हैं और वो हमें बताएंगे। आप इसको देख सकते हैं, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और कमेंट भी करके बताएंगे। अगर आपको भी शिलाजीत की पहचान पता है तो आप भी कमेंट करके ये बता सकते हैं कि ये जो जानकारी दे रहे हैं ये सही जानकारी दे रहे हैं या गलत जानकारी दे रहे हैं। तो एक बार दिखाइए कौन कौन सी आपके पास शिलाजीत है और क्या क्या इनकी खासियत है। ठीक है साहब, मैं नेपाल से आ रहा हूँ, मेरा नाम खगेंद्र परियार है। ये शिलाजीत असली शिलाजीत है साहब, बिल्कुल नेपाल जुमला में पहाड़ी इलाका में मिलता है। ये हिमाली सबसे बड़ा हिमाल, सबसे ऊंचाई में हिमाल नेपाल में है जी। हाँ, इसका पहचान ये होता है कि मैं आपको खुद पहचान दिखा दूंगा, तर के है कि साहब जो फेरी लगाने आदमी को भरोसा नहीं करता है जी, क्योंकि असली सोना ले के बाजार में सोना ले जाओ बताओगे तो वो आदमी को भरोसा नहीं करेगा। असली सोना को पे इंसान ऐसा है जी, असली सोना को पे भरोसा नहीं करता है। तर हम गलत बात नहीं करते, मैं नेपाल से आ रहा हूँ बहुत दूर से। ये शिलाजीत का पहचान ये होता है कि जी इधर देखो, आप देखो ये देखने में ये बिल्कुल मुलायम होता है साहब, देखने में मुलायम होता है। इसको बिल्कुल इसमें ऐसे मारोगे तो ये कांच की तरफ टूट जाता है, टकराओगे तो ये साहब बिल्कुल पत्थर के पसीना बिल्कुल पत्थर को आवाज देता है। आराम से इसको ऐसे करके जुटा दो, बिल्कुल खींचोगे तो साहब ये बिल्कुल धागा बनता है। खींचोगे तो बिल्कुल ऐसे खींचोगे तो जितना मर्जी पे ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, खींचोगे तो जितना मर्जी पे धागा बनता है। ये क्या काम में आता है जी बात सुनो, ये जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द, गांठे गुठे में दर्द, सिर दर्द, ताकत के लिए, मर्दानी ताकत के लिए, पुराना पुराना घाव गमचोट, शुगर के लिए, एनर्जी पावर के लिए, कैल्शियम के लिए, पुराना पुराना घाव गमचोट के लिए काम आता है साहब। इसको क्या करना है, चना के दाना बराबर ले जाओ घर में, चना के दाना बराबर तोड़ो, दूध मिल गया दूध, पानी मिल गया पानी में डालो, बिल्कुल आपसे आप घुल जाता है, आपको घुलाने के भी जरूर नहीं पड़ता है जी। एक कांच के गिलास में एक किनारे पे चिपकाओगे तो साहब ये बिल्कुल आपसे आप घुल जाता है, उसको पी सकते हो साहब। अब ये साहब केसर देख लो, असली केसर है जी। हाँ जी देख लो, ये केसर है साहब, बिल्कुल ये केसर बिल्कुल, इसके खेती पहला जम्मू कश्मीर श्रीनगर पामपुर में था, अभी 2 साल हो गया साहब हमारे नेपाल जुमला में खेती हो रहा है इसके। आप देखो बिल्कुल इसका ये बिल्कुल केसर है। हाँ, ये आँखा का रोशनी तेज करता है, खून साफ करता है, खून बढ़ाता है, दिमाग को तेज बनाता है। जो गर्भवती महिला को खिलाओगे तो साहब बिल्कुल बच्चा को सुंदर देता है, सुंदरता देता है। इसका पहचान क्या होता है साहब, इसका 2 पत्ती जिम में डालो या पानी में डालो बिल्कुल आपसे आप घुल जाता है साहब। हाँ, ये देखने में लाल होता है, घुलने में पीला होता है जी। इसके रेट की अगर बात करें, क्योंकि ये मार्केट में बहुत महंगा मिलता, कहते केसर बहुत महंगा मिलता है, आपके हिसाब से इसका कितना रेट जायज होना चाहिए और आप किस हिसाब से इसको बेच रहे हैं? ये साहब बिल्कुल होते है कि ये 1 ग्राम के 150 रुपया, हाँ ग्राम के 150 होते है, 1500 रुपया तोला पड़ता है जी। हाँ, जैसे ये शिलाजीत के इसका तोला के क्या होता है जी, बाजार में हम एक ही आदमी नहीं लेता है, नेपाल के पहाड़ी इलाका के आदमी बहुत आता है। इसके रेट खास रेट क्या है कि 150 रुपया तोला पड़ता है, 150 रुपया के 10 ग्राम शिलाजीत मिलता है जी। अब ये देखो बिल्कुल ये हींग साहब, ये होता है पेट के गोंद होता है, ये गैस बाईबादी के लिए दाल सब्जी में तड़का पे पड़ता है, पानी में घोल के पीते गैस नहीं बनता है, खाना को हजम करता है, पेट को साफ करता है। हाँ, इसका काम वही होता है जी, ये दाल सब्जी में थोड़ा बहुत तड़का पे लगा से देते हो। ये पड़ता है 40 रुपया तोला साहब, 40 रुपया तोला। हाँ जी, अब आप शिलाजीत में और क्या क्या है आपके पास, क्योंकि ये हमेशा एक कंफ्यूजन बना रहता है कि असली कौन सी है। असली की एक तो आपने पहचान बता दी, क्या यही एक पहचान होती है? साहब गर्म तो इसको आग पे जलाते हैं, तर आग जलाने में क्या है, जितना गर्म करो शिलाजीत ये उतने पिघल दे जाएगा जी,
जितना शिलाजीत क्या है धूप से आता है, इसको क्या होता है दिन में जो हमारे पहाड़ी इलाका चट्टान में सुबह 5-6 बजे घाम लग जाता है, उस टाइम क्या होता है बिल्कुल ये पिघल पिघल के आता है। शिला किसको बोलते है? पत्थर को बोलते है। जीत किसको बोल दिया? इसको बोल दिया। इतना बढ़िया चीज है, बिल्कुल शिला को भी जीत के आ गया है बाहर। शिलाजीत जैसे बताते हैं दो तरह की होती है, एक तो ठोस होती है, एक लिक्विड में होती है, ये कौन से बोली है? ये लिक्विड होता है, ये बिल्कुल पत्थर में, ये जो पत्थर जैसा होते है नी वो घर में लेके शुद्ध करते है जी, वो सबसे नीचे का ही मिट्टी लगा हुआ आता है, उसको घर में लेके पकाएगा तो वो पत्थर जैसा बन जाता है। ये सबसे ऊपर का है जी, ऊपर का, सबसे ऊपर के शिलाजीत है, सबसे ऊपर के जी। जैसे ना कुछ लोगों में ये रहता है कि ये मर्दाना ताकत के लिए बहुत अच्छा होता है, कुछ लोग खाते भी हैं इसके, क्या उसमें सच में इसका फायदा होता है जी? शरीर में कैल्शियम ठीक हो जाएगा तो जी मर्दानी ताकत में भी ठीक हो जाते है, कैल्शियम के लिए एकदम बढ़िया चीज है साहब। हाँ, क्योंकि मर्दानी ताकत में यही रेट क्या होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत महंगा भी इसको बेचते हैं, आपके हिसाब से इसका रेट क्या होना चाहिए? इसको खास लेना तो साहब इसके में एक ही कीमत अभी तक नहीं है, क्योंकि ये एक ही बंदा नहीं जाता है चट्टान पे, बहुत आदमी लेता है, मार्केट में बहुत आदमी चलते फिरते लगाते, फेरी लगाने का आदमी है, तो इसका खास रेट 150 रुपया 10 ग्राम है जी। हाँ, 150 रुपया 10 ग्राम है। अब ये देखो जी, बिल्कुल पहाड़ी धनिया बोलते है इसको, पहाड़ी धनिया। हाँ जी, ये क्या होते है, छड़का लगता है क्या इसका? सब्जी में पीस के डालते है जी। हाँ, इसका दो दाना मूंग में डालोगे तो बिल्कुल मुंह को पे साफ कर देते है, दांत दर्द को ठीक करते, ये खाना को हजम ऐसे दे जी, बिल्कुल ये दाल सब्जी में पड़ जाता है। ये कैसे देते हो? ये पड़ता है 50 रुपया का 10 ग्राम मिलता है जी। हाँ, ये तो इस हिसाब में तो आप यहाँ से यहाँ पे भी इस मार्केट में भी मिल जाता है? अब ऐसी यही रेट में मिलता है जी, बिल्कुल ये हमारे घर में होता है, हम जंगल में बिल्कुल ढूंढ के लेता हूँ इसको। तो आपका तो सस्ता होना चाहिए ना, क्योंकि आप तो खुद वहाँ से लेके। हम बताना तो 50 में बताते साहब, तो हमने जितना बताया उतना अभी तक नहीं देता है, क्यों बताओ ना? इंसान क्या है, फेरी लगाने आदमी को भी बहुत रेट घटा देते है, इसका खास रेट है 50 रुपया तोला 10 ग्राम है जी। और वो क्या बता रहे थे आप, एक पलंग तोड़ आपके पास है, वो क्या काम आता है? पलंग तोड़ का मतलब क्या है? पलंग तो क्या, पलंग टूट जाता है क्या? ये नहीं होते कि जी इसका नाम है पलंग तोड़, ये मर्दानी ताकत में बिल्कुल यूज होता है। इसमें देखो, मैं दिखा रहा हूँ आपको। हाँ, ये देखो साहब, ये होता है बिल्कुल मर्दानी ताकत में यूज होता है, एनर्जी पावर के लिए ठीक होता है जी। ये शिलाजीत है ये तरह, इसमें हर चीज मिक्स हो जाती है जी। इसमें क्या चीज होती है कि जैसे कीड़ा जड़ी, हाँ, पहाड़ की जितना जड़ी बूटी होती है नी वो सब इसमें मिक्स हो जाते है जी, उसके लिए ये बिल्कुल मर्दानी ताकत में एनर्जी पावर बढ़ाता है जी। हाँ, यही है सब मेरे पास, जितना सामान है अब यही सामान है साहब। अब शिलाजीत की बात करें तो शिलाजीत के लोग कहते हैं कि इसको पानी में डाल कर भी चेक किया जाता है वो असली है नकली है। पानी में साहब, ये शिलाजीत है नी, इसको पानी में डालोगे तो बिल्कुल आपसे आप घुल जाता है, गर्म पानी में डालोगे तो जल्दी घुलता है, ठंडा पानी में धीरे धीरे गलता है। इसको देखो साहब, आदमी देखो, आप देखोगे तो ये बिल्कुल देखो, देखने में बिल्कुल ऐसे ऐसे खड़ा हो रहा है, ठीक है, देखने में इसको, अब इसको लपेटो बिल्कुल मुलायम बन गया, इसको आराम से इसमें बिल्कुल ऐसे मारोगे तो बिल्कुल ये कांच के तरफ टूट गया, देखो मारोगे तो कांच के तरफ टूट गया, ऐसे करके टकराओ बिल्कुल, पत्थर के पसीना पत्थर को आवाज देता है, आराम से इसको ऐसे करके जुटा दो। हाँ, बिल्कुल खींचोगे तो साहब बिल्कुल धागा बंधे जाएगा, देखो जितना मर्जी पे ले जाओ, इधर से दिल्ली ले जाओ, दिल्ली से आप ले आओ कोई दिक्कत नहीं है, इधर से दिल्ली पुगाओ, दिल्ली से इधर ले आओ कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ, नेपाल कितनी मेहनत करनी पड़ती है बस इसके लिए, जब वहाँ से आपको ले होता है सर, 6 महीना गट्ठा होता है, 6 महीना गट्ठा होता है, 2 महीना बिजनेस होता है। हाँ, ये 6 महीना हम खुद गट्ठा करता हूँ, मेरा पिताजी को साहब बिल्कुल 18 साल हो गया वो यही काम करता है। हाँ, मैं अभी 18 साल का है जी, मेरे को 3 साल हो गया, मैं 3 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई पे करता हूँ जी, अभी पढ़ाई मेरा छुट्टी हो रहा है, सर्दी में छुट्टी होता है, गर्मी में हमारा मैं चल जाता हूँ। क्या इसको गर्मी के सीजन में भी खा सकते हैं? गर्मी के सीजन में क्या होती है कि जी इसको धूम में लाग जाता है, पिघल जाते हैं शिलाजीत, नुकसान नहीं करता है, गर्मी में भी फायदा करता है, पर इसको क्या है लेने की मात्रा क्या होता है कि ये ठंडा पानी से लेना पड़ता है जी। हाँ, गर्म, ये बहुत गर्म होती है, गर्म चीज है जी, ठंडा पानी से लेता है इसको बिल्कुल। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खगेन्द्र प्रियार है जी। खगेन्द्र? हाँ, खगेन्द्र प्रियार। हाँ, नेपाल जुमला है घर, नेपाल जुमला सीजा गाउँपालिका वडा नंबर 1 जाच है, जाच एक धापा। तो ये खगेन्द्र है, इन्होंने कई तरह की वैरायटियों के इनके पास जो है शिलाजीत है, पलंग तोड़ है, और धनिया नेपाल का इन्होंने बताया है, केसर भी ये लेकर आए हैं, तो इन्होंने उनकी खासियत भी बताई, रेट भी बताए कि मार्केट में कहीं ज्यादा रेट में ना आप खरीद रहे हो, तो इन्होंने एक क्राइटेरिया बता दिया कि वहां तक आप इसको खरीद सकते हैं, नेपाल से पहुंचे हैं, सर्दियों के सीजन में ये आ जाते हैं यहाँ पर बेचने के लिए, नेपाल से 6 महीने इसको लगते हैं वहां पे लाने में, 6 महीने इकट्ठा होता है, 6 महीने में इकट्ठा होता है, फिर ये बेचने के लिए मार्केटों में पहुंचते हैं।